बीजेपी ने उन्नाव जिला पंचायत चुनाव में रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता का नाम प्रत्याशियों की सूची से बाहर फेंक दिया है। पार्टी ने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए यह अहम फैसला लिया है। पार्टी ने 8 अप्रैल को उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। सूची में कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता को वार्ड क्रमांक 22 फतेहपुर 84 तृतीय से उम्मीदवार घोषित किया था। बता दें कि कुलदीप सेंगर अभी बलात्कार के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं संगठन की ओर से गुरुवार को जारी की गई लिस्ट में कई नए चेहरे हैं। पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सेंगर को फतेहपुर 84 चतुर्थ से प्रत्याशी बनाया था। संगीता सिंह सेंगर बागमरऊ उपचुनाव में भाजपा से टिकट मांग रही थी, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला था। पति कुलदीप सेंगर के रेप में दोषी होने के कारण पत्नी संगीता का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। वहीं माना जा रहा है कि पार्टी ने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए ये अहम फैसला लिया है। वहीं भाजपा के दिग्गज अंदरखाने में ताकत लगाए हैं। उनके पक्ष का दावेदार चुनाव जीते तो उसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिले। हालांकि यह तस्वीर 2 मई को साफ हो पाएगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि संगठन यह देखने में लगा है कि कौन प्रत्याशी कितनी मेहनत कर रहा है, कितने पानी में है और कितने अंदर से जीत कर आएगा।